हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज हमारे साथ है हमारे सनी पाजी और इनको जिम करने जाना है। अभी लॉकडाउन में हम तो ऐसे घर से नहीं निकल सकते, पर गेम में तो जा ही सकते हैं ना। तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ है KTM ड्यूक, आई थिंक 390, और हम किसी पहाड़ के ऊपर है। हमें जिम में जाना है। मैप में जो ग्रीन कलर का आइकॉन दिख रहा है वहीं है जिम। चलिए चलते हैं। और हम जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से। अरे यार, गिर जाएगा। तो हम बहुत जोर से गिरे, पर कोई बात नहीं, सनी पजी का 2.5 किलो का हाथ है, कुछ भी नहीं होने वाला हमको। अभी हम रॉक और अरे 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 गिर जाएगा। ये देखिए, हम जा रहे हैं और चलो, ये देखिए हम हिल साइड पे आ गए। सामने मेरे को बड़ा बड़ा पाइन ट्रीज दिख रहा है और पेड़ के साथ टक्कर हो गया। ये देखिए एक बड़ा सा जंप और पूरे पानी में। मेरे को दिख ही नहीं रहा था कि सामने समुंदर, समुंदर नहीं, ये लेक है, छोटा सा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा लेक है। और सानी पाजी पूरे ताकत के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जाने से पहले उनका ताकत खत्म हो जाएगा। देखते हैं आज उनके 2.5 किलो के हाथ में कितना ताकत है। अरे यार, हम पहुंच गए पहाड़ में। फिर से हम ऊपर जा रहे हैं किसी एक पहाड़ का। अरे उठ नहीं रहा। तो ये थोड़ा बहुत ऊंचा है इसीलिए हम उठ नहीं पा रहे थे। अरे अरे, सानी पाजी जंप लगाने गए पर गिर गए। चलिए ट्राई करते हैं फिर से, नहीं हो रहा। अभी मेरा एक बहुत अच्छा प्लान आया है। मैं जेट पैक लेकर उड़ जाऊंगा ऊपर, फिर जाके बाइक लूँगा। तो हम गए चीट्स पे और चीट्स पे जाके हमको मिल जाएगा जेट पैक। ये देखिए जेट पैक मिल गया हमको। अब हम पहाड़ों के ऊपर से उड़ेंगे और हम यहीं पे लैंडिंग करते हैं। जेट पैक जा, थैंक यू जेट पैक मेरे को इतना मदद करने के लिए। अभी सनी पाजी के सामने से आ रहा है ये आदमी, इसको हमने गोली करके उड़ा दिया और हमने ले लिया KTM RC। वाह, कितना स्टाइलिश लग रहे हैं सनी पाजी KTM RC में। हमारे सामने ही है, सामने मतलब पूरा सामने नहीं है पर थोड़ा तो जाना पड़ेगा। और हम बहुत ही स्टाइल में जा रहे हैं, सामने से ऑल्टो आ रहा था, हम बच गए। क्या डिस्क ब्रेक लगाई है यार। चलिए, और हम एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए क्रैश हो गया सामने से। अब बाएं तरफ सामने से पुलिस चला गया। अब फिर से बाएं, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है पहाड़ों का।
अगर एक बार गिर गए तो। अरे यार इनकी राइडिंग बहुत ही खराब है। चलो हम फिर से पहाड़ों का सहायता लेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है यहाँ पे कोई पानी नहीं है शायद। ओह मेरे को दिख गया एक रोड। अच्छा सा ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। शायद इस तरफ है रास्ता। अरे सानीपा जी को ऑफ रोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे राइडर हैं। बाइक्स तो ऐसे भगाते हैं कि ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल राइडर हैं। वो देखिए आप लोगों को दिखेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, पर हम उसी रास्ते से जाएंगे। और सामने हमको पानी दिख गया, पर शायद इस तरफ से कोई रास्ता है। वो एक हाईवे है तो चलिए उसी तरफ से चलते हैं। अभी दाहिने तरफ जाना पड़ेगा मेरे को। अरे मुझे पहले जाना है, तू क्यों आएगा रे? मैं सुपरस्टार हूँ। अभी बाएं तरफ। और हम कहाँ घुस रहे हैं मेरे को भी नहीं पता। चलते हैं रास्ता को पकड़ के फिर से बाएं तरफ। नहीं दाएं, नहीं बाएं, बाएं तरफ। अभी मोड़ूंगा राइट। पुलिस सामने खड़ा है, मेरे को क्या? अभी बाएं, फिर जाऊंगा पूरा स्ट्रेट। लग रहा है कि सामने का बाजू वाले रोड में है। देखते हैं ऑल्टो। वाह क्या स्टाइलिश लग रहा है। अरे ये GTA इंडिया के लोगों को गाड़ी चलाना भी नहीं आता अच्छे से। दिक्कत है आदमी। रुक जाइए मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ मैप में कि हम कहाँ पे हैं। तो सामने ही जिम है, हम अभी चले जाएंगे। अभी पहुंचते हैं हम जिम में। और हमने पोल तोड़ दिया। अभी बाएं, फिर से बाएं। अभी जाना है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे जाऊंगा। और पुलिस के साथ टक्कर, पर पुलिस मेरे को पकड़ नहीं पाएगी। अभी स्ट्रेट ही जाना है मेरे को। वैसे यहाँ से सोच रहा हूँ शॉर्टकट ले लूँ। चलो कोई नहीं, शॉर्टकट ही ले लिया। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट वे जाना है मुझे। ये शायद मैं पहुंच गया, यही कहीं तो होना चाहिए। वो देखिए ये है हमारा जिम। और सनीपा जी का मसल दिखा रहा है। अब हम आपको एक नमूना दिखाते हैं कि हमारे पास कितना ताकत है। मैं बार बार बोल रहा था ना कि 2.5 किलो का हाथ। देखते हैं कि 2.5 किलो का हाथ में क्या सच में दम है। ये देखिए सामने एक आदमी खड़ा है, आदमी नहीं, औरत। ये देखिए ये बहुत भाग रहा है, एक गंदा बच्चा। इसको मैं देखता हूँ, तो भाग गया डर के। वो देखिए मेरे सामने आ रहा है।
पूरा फ्लाई हो गया। इसमें कितना है दम, मेरे साथ लड़ने आ जाओ। वो देखिए वो भाग रहा है डर के मारे। तो चलिए आप लोगों ने तो देख ही लिया कि सनी पजी के 2.5 किलो के हाथ में कितना दम है। ये देखिए आज फिर से वो चार पैरों वाला इंसान आ गया, इंसान नहीं जानवर। फिर से सानी बाजी और हम पहले सबसे 2.5 किलो, चलिए 240 वाला ही वजन उठा लेते हैं। ये देखिए सनी पाजी कितना स्पीड से कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत हो गया, अभी हम कोई दूसरे जो एक्सरसाइज है वो भी कर लेंगे अच्छे से। डंबल्स उठा लेते हैं थोड़ा। अभी हम उठाएंगे 110 किलो का डंबल्स। सनी पाजी के लिए कोई बात ही नहीं है डंबल्स उठाना, ऐसे ही उठा लेंगे वो। ये देखे कितना स्पीड से उठा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ा साइकिलिंग भी कर लेते हैं, हम लेवल 10 के साइकिलिंग करेंगे। आप देखिए कितना स्पीड से साइकिलिंग कर रहे हैं। हो गया, अभी देखना है कि 2.5 किलो के हाथ में क्या ताकत है। अभी देखिए, अरे यार सनी पजी मर गए। फिर से ये जानवर आ गया। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सनी पाजी तो मर गए हैं, जिम में जाके लड़ाई हो गया उनके साथ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अपने राय कमेंट्स में बताइए हमको। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं एक मुक्का के साथ, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।